नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है, हम बताएंगे आपको कि घर पर आप एलईडी बल्ब रिपेयरिंग कैसे करेंगे। आमतौर पर कोरोना काल में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके काम सारे बंद हो चुके हैं, घर पर ही बैठे हुए हैं और घर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं। पैसे के प्रॉब्लम आ गए हैं, घर में दवाई नहीं आ पा रहे हैं, खाने के लिए सामान नहीं आ पा रहे हैं, तो आप घर पर रहकर कैसे कुछ काम कर पाएंगे, उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो एक काम बहुत सा अच्छा काम है, वो एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का काम है। आजकल घर में सारे एलईडी बल्ब लग रहे हैं और फ्यूज होने के बाद लोग फेंक देते हैं, तो आप एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करके उनको सही करके आप दे सकते हैं और उससे कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या आप उसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक सोल्डिंग आयरन चाहिए, जो कि मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा, 50 रुपये से 100 रुपये तक का अवेलेबल है। प्लस इसके साथ सोल्डिंग फ्लक्स, जिसको सोल्डिंग पेस्ट बोलते हैं, ये चाहिए आपको। सोल्डर वायर, इसको आम भाषा में रंगा भी बोलते हैं, ये चाहिए आपको। एक चिमटी चाहिए और एक आपको 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए कनेक्टर के साथ में, और आपको चाहिए एक 100 वाट का बल्ब होल्डर और कुछ 1-2 मीटर की वायर चाहिए। इस सब सामानों से आप काम शुरू कर सकते हैं और कुछ घर पे पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे बल्ब 2 तरीके का आता है मार्केट में, एक तो होता है जिसको बोलते हैं SMD बेस्ड, ऐसा आपको रहेगा जिसमें SMD लगा रहता है, और एक होता है आपका ड्राइवर बेस्ड, जिसको बोलते हैं DOB, जिसमें ड्राइवर बेस्ड होता है। इसमें 2 वायर निकाल के सीधे आपका इस पॉइंट में कनेक्ट होता है और बल्ब आपका जलने लगता है। तो ये बल्ब भी आपको मिलेगा, इस पर कोई गारंटी वारंटी कंपनी नहीं देता है। और जो कंपनी गारंटी वाले बल्ब होते हैं, उसमें आपका ऐसे IC वाले ड्राइवर अंदर लगे होते हैं, जो कि ख़राब नहीं होते हैं। कंपनी AC की गारंटी देती है, 1 साल या 2 साल जैसा होता है। और इसके साथ में आपका ये SMD ऐसे लगा होता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि SMD वाले बल्ब को आप कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एक बल्ब आप लीजिएगा और इसकी हाउसिंग को आपको खोलना है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें ये सारे LED लगे हुए हैं, इसमें से कोई भी एक LED ख़राब हो जाता है, जो सीरीज में होते हैं, कोई भी एक LED ख़राब हो जाता है, आपका बल्ब भी ख़राब हो जाता है, जलना बंद कर देता है, इसी को आपको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम सीरीज बल्ब बनाएंगे, कैसे बनता है वो दिखा दें आपको। आपने 2 वायर लिया, इसमें इसके बल्ब होल्डर में टाइट कर दिया अच्छी तरीके से, इसमें आपने एक बल्ब लगा दिया, जंगली बल्ब ये आप प्लग करेंगे, ये आपका जल जाएगा। अब इसमें करना क्या है, एक आपको एक्स्ट्रा और वायर लेना है, ऐसा इसको ऑफ करते हुए निकाल दे रहे हैं। किसी भी एक तार में आप इसको ऐसे गांठ लगा लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा, एक तार इस ग्रीन वाले का और एक वायर तार इस बल्ब के होल्डर का आपको इसमें बोर्ड में लगाना है। ऑन कीजिए, जब आप टच करेंगे तब ये बल्ब जलेगा। आपकी सीरीज टेस्टर बन गया है, क्लियर है। इसको ओपन कर लेंगे और इसमें भी वही ड्राइवर लगा हुआ है और आगे SMD लगा हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक LED, ये हल्का ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज है। फ्यूज है तो हम सारे LEDs को चेक करेंगे 1 by 1 अपना वही बैटरी से।
लगभग सारे जल रहे हैं, ये वाली आपकी एलईडी नहीं जल रही है, तो इसको आप को तोड़ देना है। तोड़ के साफ कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा आपको इसके ऊपर फ्लेक सोल्डिंग पेस्ट लगाना है। ध्यान दीजिएगा हीट सिंक जो होता है इसकी गर्मी सोख लेती है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा सोल्डर लगाना पड़ेगा। इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। अब इसको हम सीरीज में देखिए लगाया, ये बल्ब जलने लगा। पूरी रोशनी दे रही है। अब इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं एक बार। क्योंकि सीरीज वही है, बल्ब हमने बस चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ये रोशनी दे रहा है। तो आप ऐसे कम लागत में आप घर पे भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। इस रिपेयरिंग के आप 20 से 30 रुपये आप ले सकते हैं। और अगली वीडियो में, मतलब वीडियो पार्ट टू में आपको बताएंगे कि अभी तो ऐसे बहुत ही कम समय में आसान तरीके से कैसे आप रिपेयरिंग करेंगे। बिल्कुल तार वगैरह से बिखरा पड़ा हुआ है, सीरीज बोर्ड कैसे आप बनाएंगे, सीरीज चिमटी से कैसे आप रिपेयरिंग करेंगे, वो सब बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सारे दोस्तों को बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।